My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, What you need today is the grace of God. आज आपको जो चाहिए वो है परमेश्वर का अनुग्रह. The Bible says, बाइबल कहती है, First Peter chapter 5 and verse 10. पहला पत्रस 5 वचन 10 में, God is a God of grace. परमेश्वर तो अनुग्रह का परमेश्वर है. God is a God of grace. परमेश्वर जो अनुग्रह का परमेश्वर है. And the Bible says, और बाइबल ये भी कहती है, In James chapter 4 and verse 6, याकूब अध्याय 4 वचन 6 में, He gives much grace. कि वह बहुत अनुग्रह देता है. He gives great grace. वह बड़ा अनुग्रह हमें प्रदान करता है. Oh, why he gives you great grace? लेकिन वो हमें बड़ा अनुग्रह क्यों देता है? Jeremiah 13 and verse 9, यर्मिया 13 वचन 9 में, The Bible says, बाइबल कहती है, Natural man has great pride in his heart. कि जो प्राकृतिक मनुष्य उसके हृदय में बड़ा घमंड होता है. Oh, I can do that. ओ, मैं ये कर सकता हूँ. I can do that. मैं वो कर सकता हूँ. Great pride. भयंकर घमंड. But that will work nothing. लेकिन उससे कुछ भी काम नहीं होता. Therefore, God says, इसलिए ईश्वर कहते हैं, I will give you great grace. मैं तुम्हें बड़ा अनुग्रह दूंगा. It will work miracles for you. और वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा. Oh, what a wonderful God! Oh, कैसा अद्भुत परमेश्वर हमारे पास. Be of good cheer. और इसलिए खुश होइए. Secondly, दूसरी बात, What is grace? अनुग्रह क्या है? What is grace? अनुग्रह क्या है? If you read 2 Corinthians 12:9, अगर आप दूसरा कुरिन्थी 12:9 को पढ़ेंगे, Saint Paul was grumbling. संत पौलुस जो है बुड़बड़ा रहे थे. Lord, I am a weak man. प्रभु, मैं तो कमजोर जन हूँ. Therefore, what shall I do? इसलिए मैं क्या करूँ? God said, ईश्वर ने कहा, Don't be worried. चिंता मत कर. My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है. Whatever you lack, my grace can give. तेरी हर एक घटी को मेरा अनुग्रह जो है पूरी कर सकता है. Some years ago, I visited South Africa. कुछ साल पहले मैं दक्षिण अफ्रीका गया हुआ था. As I alighted from the plane into the airport of Johannesburg. और जब मैं जोहान्सबर्ग में प्लेन से बाहर निकला एयरपोर्ट में, Oh, I never imagined the weather would be so chill. मुझे बिल्कुल भी भान नहीं था कि जो मौसम इतना ठंडा होगा. So I was trembling. इसलिए मैं बस कांप रहा था. And a dear pastor came to receive us. एक पास्टर हमारा स्वागत करने के लिए आए. He smiled. वो मुस्कुराए. Are you feeling chill? Oh, क्या आपको ठंड लग रही है? He had a beautiful sweater on his body. उनके शरीर पर एक खूबसूरत स्वेटर था. He removed it. उन्होंने उसे उतारा. Put it upon myself. उसे मेरे ऊपर डाल दिया. And he said, "How do you feel now?" और मुझसे पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? Oh, I said, "It's wonderful." और मैंने कहा, ओह, ये तो बहुत अच्छा है. That's what God says. If you read Luke 15 and verse 31. अगर आप लुका 15 वचन 31 को पढ़ें. In the story of the prodigal son. उड़ाव पुत्र की कहानी में. There was great rejoicing. In the home because he returned. क्योंकि वो लौट करके आया इसलिए उस परिवार में बड़ा आनंद हो रहा था. But his elder brother said. लेकिन उसके बड़े भाई ने कहा. Dad. पापा. Never gave me a simple lamb even. आपने तो मुझे एक बकरी का बच्चा भी कभी नहीं दिया था. Father said. पिता ने कहा. Should I give my son? मेरे बेटे क्या तुम्हें देना ही होगा? All that I have is yours. मेरे पास जो कुछ है वो सब तेरा है. हमारे प्रभु यीशु ने क्या कहा? John 16:15. यूहन्ना 16:15 में. He is your father. उसने कहा, पिता, whatever you have belongs to me. जो कुछ तेरा है वो मेरा है. And I will take it. मैं इसे लूंगा. He said it belongs to me. उसने कहा, वो तो मेरा ही है. My brother. मेरे भाई. My sister. मेरी बहन. What is grace? अनुग्रह क्या है? Grace is receiving everything that the Father has for you with all authority. अनुग्रह का मतलब है पूरे अधिकार के साथ जो कुछ पिता के पास है आप पिता से स्वयं अपने लिए उसे प्राप्त करते हैं. A friend of mine allowed his daughter to marry somebody in Germany. मेरे एक मित्र हैं जिनने अपनी बेटी को यह अनुमति दी कि वो किसी से जर्मनी में विवाह करे. After the marriage was over. और जब विवाह खत्म हो गया उसके बाद. Oh, both were young. दोनों ही जवान थे. Both were new to Germany. दोनों जर्मनी में नए थे. They didn't know where to stay. उन्हें नहीं मालूम था कि वे कहाँ जाएं. A friend of my friend wrote a letter to him. और मेरे मित्र के एक मित्र ने उसको एक पत्र लिखा. I understand. That your children are coming to Germany. मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे जो है जर्मनी आ रहे हैं. I have a beautiful home. मेरे पास एक खूबसूरत मकान है. I have a beautiful home. एक खूबसूरत मकान. Fully furnished. पूरी तरह से फर्निश्ड है. Ask them to come and occupy it. उनसे कहें कि वो आकर के उस पर कब्जा कर लें. Let them treat it as their own home. और वे उसे ऐसा व्यवहार करें मानो उनका ही है. Oh, these young couple were
very much thrilled. ये जो युवा दंपति थे बहुत ही खुश हो गए. They were so happy. वे बड़े ही प्रसन्न थे. They inherited that home. उन्होंने इस घर को विरासत में पाया. My brother. मेरे भाई. My sister. मेरी बहन. That is the grace that God gives. यही अनुग्रह परमेश्वर देता है. Whatever he has belongs to you. जो कुछ भी परमेश्वर के पास है वो आपका हो जाता है, आपका है. If you read 2 Corinthians chapter 9 and verse 8. अगर आप दूसरा कुरंथी 9:8 को पढ़ें. All grace. पूरा अनुग्रह. All grace. संपूर्ण अनुग्रह. That you want. जो आपको चाहिए. Hebrews 10:29. इब्रानी 10:29 वचन में. The spirit of grace. परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा. His words. वो आपके लिए है. Romans 11:29. रोमियो 11:29. The gifts of the spirit of grace is yours. जो पवित्र आत्मा का अनुग्रह का दान है वो आपका है. 2 Corinthians 9:8. दूसरा कुरिन्थियों 9:8. All grace is yours. जितना भी अनुग्रह है वो सारा अनुग्रह आपका है. My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है. So as you go back to your places. तो जब आप वापस अपने स्थानों पर जाएंगे, you are going to depend upon only one thing. आप केवल एक ही चीज पर निर्भर रहेंगे. The grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह. The grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह. Grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह. It has already come to you. वो पहले आपके पास आ गया है. It has already come to you. वो आपके पास पहले ही है. John 1:14. यूहन्ना 1:14 है. John 1:16-17. यूहन्ना 1:16-17. Day you gave your heart to God. जिस दिन आपने अपना हृदय परमेश्वर को दिया. His grace, abounding grace has come upon you. उसके भरपूरी का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है. The Bible says you are getting grace above grace. और बाइबल कहती है आप अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं. So you should stand on that grace and work. इसलिए आपको उसी अनुग्रह पर खड़े होकर के कार्य करना है. Paul says. पौलुस कहता है. It is no more I. ये तो मैं नहीं. It is this grace that makes me work as an apostle. लेकिन ये अनुग्रह ही है जो प्रेरित रूप में कार्य कराती है मुझसे. 1 Timothy 2:7. पहला तिमोथी 2:7 में. 2 Timothy 1:11. दूसरा तिमोथी 1:11 वचन में. He has the calling of an apostle. हाँ, एक प्रेरित की जो बुलाहट है. A teacher. एक शिक्षक की. An evangelist. एक प्रचारक की. 1 Corinthians 4:15. पहला कुरंथी 4:15 में. A pastor. एक पास्टर की बुलाहट. All the 5 callings he had. जितने भी 5 बुलाहट उनके पास है. This is all because of grace. ये सारे जो है उसके अनुग्रह से ही है. This man says, I am so and so, having all the 5 calling because of the grace of God. और ये व्यक्ति कहता है कि केवल उसके अनुग्रह के कारण से ही मेरे पास ये 5 बुलाहट जो है आज विद्यमान है. Amazing grace. अद्भुत अनुग्रह. You can never explain. आप उसे कभी भी समझा नहीं सकते. Grace will lead you. अनुग्रह आपकी अगुवाई करेगा. Now to whom he will give grace? तो परमेश्वर किसको अनुग्रह देगा? Proverbs 3:34. नीति वचन 3:34 में. James 4:6. याकूब 4:6 में. 1 Peter 5:5. पहला पत्रस 5:5 में. He gives grace to the humble. वह दीन के ऊपर अपना अनुग्रह देता है. Humble in the spirit. जो आत्मा में दीन है. Not outside. बाहर से नहीं. Outside many people behave as they are very humble. बाहर से बहुत से लोग ऐसा व्यवहार करते वो बड़े ही दीन जन है. But in the heart they'll be very proud. लेकिन अपने हृदय के अंदर में वो बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं. They'll be deceitful. और वे धोखेबाज होते हैं. But inside. लेकिन अंदर से. You should be humble. आपको बिल्कुल दीन बने रहना है. They always remember this story. मैं हमेशा इस कहानी को याद करता हूं. We had an illustrious president. Called Dr. S. Radhakrishnan. हमारे पास एक अनुकरणीय राष्ट्रपति थे जिनको राधा कृष्णन के नाम से पुकारा जाता था. A treasure box of knowledge. उनके पास तो ज्ञान का मानो भंडार था. When I was working in the bank. और जब मैं बैंक में काम कर रहा था. His granddaughter was working with me. तो उनकी जो पोती है वो मेरे साथ काम करती थी. And she used to tell me many things about this great man. और वो इस महान व्यक्ति के बारे में बहुत सी बातें बताया भी करती थी. One day he threw a big dinner to all the diplomats in the whole world. एक दिन राधा कृष्णन जी ने पूरे संसार के जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ थे उनके लिए एक बड़ी भोज का आयोजन किया. And his granddaughter was sitting next to him. और उनकी जो पोती थी वो उनके बगल में ही बैठी थी. And the dinner was being served. और भोजन जो है वो बांटा गया. And they were just waiting for the president to take the first sip.
और सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जो प्रेसिडेंट है वो सबसे पहली चुस्की ले वे। And tears were rolling down his eyes. लेकिन उनकी आंखों से तो आंसुओं की धारा बह रही थी। She thought something has fallen into his eyes. इस लड़की ने सोचा कि शायद उनकी आंखों में कोई चीज जो है वो गिर गई है। She said, "Grandpa." उन्हें कहा, दादा। What's wrong with you? आपकी क्या समस्या है? Is it something that is irritating your eyes? क्या कुछ ऐसा है जो आपकी आंख में गड़ रहा है? He shook his head. उन्होंने अपने सर को हिलाया। He said, उन्होंने कहा, Once I was a teacher. एक बार मैं एक साधारण शिक्षक था। I had no money to run my home. मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपना घर चला सकूं। Every morning your grandmother will cook some rice. प्रति भोर को तुम्हारी दादी जो है थोड़ा सा चावल पकाया करती थी। We had no money to buy a plantain leaf. और हमारे पास केले का पत्ता खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। She will wash the cement floor. उस समय वो सीमेंट के फर्श को पानी से धो दिया करती थी। She will put the rice there. और वो उस पकाए हुए चावल को वहाँ पर रखती थी। Put the sambar over that. उसी के ऊपर सांभर डालती थी। And I will take it. और मैं उसे खाया करता था। But now, लेकिन अब, I am the president of this nation. मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ। When I looked at the silver vessels. मैंने जब चांदी के इन बर्तनों को देखा। Silver spoons. चांदी के चम्मच को देखा। Without my knowledge, I remembered your grandmother. और अचानक ही मैं तुम्हारी दादी को स्मरण कर बैठा। I thought about my old days of poverty. मैं अपने गरीबी के उन अतीत के दिनों को सोचने लगा। That's why I cry. और इसीलिए मैं रोया। Great man. एक महान व्यक्ति। Great people will never forget their past. महान लोग जो है कभी भी अपने अतीत को, अपने पुराने दिनों को नहीं भूलते हैं। He gives grace to the poor. वह दीनों पर अनुग्रह करता है। Grace to the humble in their hearts. वे जो अपने हृदय में दीन है उन पर वह अनुग्रह करता है। Look at Saint Paul. जरा सा संत पौलुस को देखिए। He says four things which keep him all the time very, very humble. वह चार चीजों के बारे में बताता है और उसके अनुसार ये चार चीजें उसे हमेशा बहुत ही दीन बनाए रखती हैं। Number one. सबसे पहला। If you read 1 Timothy chapter 1 and verse 15. अगर आप पढ़ेंगे पहला तिमोथी अध्याय 1 और उसके वचन 15 को। Christ Jesus came into this world to save the sinners. तो प्रभु यीशु मसीह जो है संसार में पापियों को बचाने के लिए आए। I am the chief of all sinners. मैं तो सारे पापियों में प्रमुख हूँ। One said he is an apostle. एक तरफ तो वो एक प्रेरित है। Second Corinthians 12:12 says. दूसरा कुरिन्थी 12:12 कहता है। Mighty miracles were happening. कि महान सामर्थी कार्य हो रहे थे। The Bible says, और बाइबल बताती है। In Acts 19:11 and 12. प्रेरितों के काम 19:11-12 में। Mighty miracles were happening. अद्भुत चमत्कार हो रहे थे। Galatians 6:17. गलाती 6:17 में। He says, I bear the marks of Christ upon my body. वो कहता है कि मैं अपने शरीर में प्रभु यीशु मसीह के घावों को लिए फिरता हूँ। 1 Corinthians 11:1-2. पहला कुरिन्थी 11:1-2 में। He says, I am an imitation of Jesus Christ. वो कहता है कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह का अनुरूप हूँ। Anybody who sees me can see Jesus. जो भी मुझे देखता है वो यीशु को देख सकता है। At the same time he says. लेकिन तभी वो ये भी कहता है। I am the chief of all sinners. मैं जितने भी पापी हूँ उन सभी पापियों में सबसे बड़ा हूँ। He says. वो कहता है। Acts 22:4. प्रेरितों के काम 22:4 में। 26:11. 26:11 में। Philippians 3:6. फिलिपियों 3:6 में। Galatians 1:15. गलातियों 1:15 में। He says, वो कहता है, I am a persecutor. कि मैं तो एक सताने वाला था। I am a person who tortured people to death. मैं वही व्यक्ति हूँ जो लोगों को दुख देता था कि वे मर जाएं। I am a murderer. मैं तो एक हत्यारा हूँ। Oh, I can never forget. मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता। Never. कभी भी नहीं। Never forget. कभी भी नहीं भूलूंगा। I am the chief of all sinners in the whole world. पूरे संसार में जितने भी पापी हैं, उन सभी पापियों में मैं प्रमुख हूँ। My brother. मेरे भाई। My sister. मेरी बहन। If you need the grace of God to come and help you, always remember your past. अगर आप चाहते हैं कि एम्बेसडर के रूप में आपका जो कार्य है,
उसमें पवित्र आत्मा करके आपकी सहायता करे, तो कभी भी अपने अतीत को न भूलें हाउ वी वेयर, कि हम कैसे थे and how he has come और कैसे वो आपको बचाने आया है. The second thing he tells us is, दूसरी बात वो बताता है, found in 1 Corinthians 15, 8 and 9. वो पहला कुरिन्थियों 15, 8 और 9 में मिलता है. I am a man who is like a boy who was born prematurely. वह तो एक मानो उसके नियत समय से पैदा हुए एक अपरिपक्व बच्चे के समान है. I am a premature baby. मैं एक प्रीमैच्योर बेबी हूँ. And I am the least among the brethren. और जितने भी भाई हैं उन सब में मैं सबसे छोटा हूँ. 1 Corinthians 15, 8 and 9 he says like that. पहला कुरिन्थियों 15 वचन 8 और 9 में वो ऐसा ही कहता है. My brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों. God is not going to use you because you are a strong person. परमेश्वर आपको काम में नहीं लाएंगे क्योंकि आप एक सामर्थी जन है. Saint Paul says. संत पौलुस कहता है. I am just like a premature boy. मैं तो एक बच्चे के समान हूँ जो समय से पहले पैदा हुआ हूँ. My spiritual growth is very little. मेरी आत्मिक वृद्धि तो बहुत ही थोड़ी है. What humility. कैसी महान दीनता है. My precious brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों. Let us always have this wonderful humility. आइए हम हमेशा इस अद्भुत दीनता को धारण करें. He'll always say, हमेशा कहें, He is sufficient. वही पर्याप्त है. The Lord Jesus Christ is sufficient. प्रभु यीशु मेरे लिए पर्याप्त है. In this world, I may not have the abilities which others have. इस संसार में मेरे पास वो क्षमताएं नहीं हो जो औरों के पास है. But Jesus Christ is sufficient. लेकिन मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त है. In the spiritual life, I am a premature boy. आत्मिक जीवन में मैं तो एक अपरिपक्व लड़का हूँ. A premature girl. एक अपरिपक्व लड़की हूँ. But he is sufficient for. परंतु वो मेरे लिए पर्याप्त है.